वाह क्या बात न जाने कौन सी शम तेरा दीदार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से कुछ 20 से 25 मिनट्स और लगेगा। अभी लाज वाले अर्श की महराज वाले तो सो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम लोग अभी यहाँ तक आ चुके हैं और हमें जाना है वहाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जियारत करवाने वाले हैं जबले नूर गार हिरा की। जबले नूर ये एक पहाड़ का नाम है, गार हिरा वहाँ पर एक ये जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर इबादत किया करते थे। सुभान अल्लाह दोस्तों, ये जो जगह है ये मक्का शरीफ में है और चलें आगे की वीडियो हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जबले नूर, ये एक पहाड़ है, पहाड़ी है और यहाँ पर जाने के लिए कम से कम कितना 2 घंटे लग जाएंगे आराम? डेढ़ घंटे लगेंगे। सो दोस्तों, अभी हम अपने होटल से निकल चुके हैं और हम जाएंगे अभी गार हिरा। यहाँ पर आपको पता है टैक्सी वगैरह कॉस्ट तो ज़्यादा है, लोगों ने टैक्सी ली है बट वो खुशकुशी बोलते हैं इसको, राइट? प्राइवेट जो गाड़ी रहती है प्राइवेट, तो ये हमें एक बहुत कम पैसे में लेकर जा रहा है। वहाँ पर मुझे ड्रॉप करेगा, हम लोगों को ड्रॉप करेगा और माशाल्लाह ये भाई हमारे पाकिस्तान से हैं, पर्सनल गाड़ी यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी अगर यहाँ आते हो और अगर आपको रेंट टैक्सी वगैरह के ज़्यादा लगते हैं तो आप किसी भी पर्सनल कार में बैठ के जियारत कर सकते हैं, उसके प्राइस काफ़ी कम होते हैं। और चले मिलते हैं जरा शकील भाई से, वो फ्रंट पे बैठे हुए हैं और पूछते हैं क्या बातें क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों पाकिस्तानी हैं। भाई साहब भी पाकिस्तानी, शकील भाई भी हमारे अलहमदिल्ला पाकिस्तान से हैं, तो वो दोनों ही कुछ ज़्यादा मिलन हो रहा है, बात चल रही है। तो पूछता हूँ एक बार, फाइन नहीं देते क्या? बात क्या बातें बात किस जो हम लोग बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं वही देख रहा हूँ ना कि पीछे 2 इंडियन हैं और फ्रंट पे 2 पाकिस्तानी हैं। देखिए हम लोग पहले तो बात है कि भाई भाई हैं, मुस्लिम सारे भाई भाई होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें तो मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए ये इंडिया का और ये पाकिस्तान का है। हाँ, नेशनैलिटी मैटर करती है ये कि कौन सी नेशनैलिटी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो भाई हैं और बड़ा अच्छा सफर गुजर रहा है, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये इंडिया का नंबर है, देखो बहुत अच्छी बात है। और आपको कोई और भी काम करती है सिर्फ यही? मेरे भाई, 3 भाई है उनका बिजनेस है इधर, 20-25 साल से, बाकी 1 साल से। बहुत अच्छा लगा भाई, और मैं जब से आया हुआ हूँ ना तो ये पहले आदमी ऐसे मिले हैं कि टैक्सी में आए, इन्होंने हमसे पूछा है, हमने इनसे पूछा कि गारे हिरा जाने का क्या रेट है, इन्होंने अपना बताया, हमने अपना बताया तो इन्होंने बोला बिस्मिल्लाह आ जाओ,
यानी इन्होंने कोई हमारे साथ मार्जिन वगैरह कुछ ऐसे बात नहीं की। बहुत अच्छा लगा। पक्को अल्लाह वो लोग कामयाब पड़े होते हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक इन्हें भी कामयाबी दे, और अल्लाह पाक दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी को कामयाब कमरान भाई ये कोई हमारे दिल में नहीं है इसके लिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कर भला हो भला, सुबह रात को जो नसीब होगा ना आपको मिल जाएगा कोई शक। हाँ ये बात बड़ी जबरदस्त इन्होंने की है कि जो नसीब का होता है वो मिल के रहता है। तो एक बात बड़ी जबरदस्त याद आया कि नसीब के हवाले से इंसान के रिजक में जो मतलब रिजक जो उसको मिलता है ना उसके नसीब के मुताबिक मिलता है। रिजक में इजाफा हो सकता है और वो दवाओं से हो सकता है, लेकिन जितना उसका नसीब है वो उतना ही मिलेगा। उसके रास्ते दो हैं, एक रास्ता है अच्छाई का, एक रास्ता है बुराई का। अगर वो बुराई के रास्ते से कुछ अर्न कर रहा है, कुछ कमा रहा है, कुछ बना रहा है, तो मिलेगा उसको उतना ही जितना उसके नसीब में है, लेकिन वो हराम के जुमरे में चला जाएगा। अगर वो हलाल के जरिए कमा रहा है मिलेगा फिर भी उसको इतना, लेकिन वो हलाल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि किसी को चीट ना करें, किसी का हक ना खाएं, ताकि ये है कि हर बंदे को उसका नसीब मिले। और अल्लाह ताला हम सबको नेक राह पे नेक चलने की तौफीक अता फरमाए, और यकीन अपना कामोल होना चाहिए। जब आप हक और सच के रास्ते पे चलते हैं तो उसमें अल्लाह पाक बरकतें बड़ी डाल देते हैं। और दवाएं जो होती हैं ना, दवाएं आपके रिज़्क में इजाफा कर सकती हैं। तो ये दुआ है अल्लाह पाक हर किसी को हक हलाल रोजी कमाने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो भाई साहब है अली भाई, इनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह पाक इन्हें कामयाब करे और अल्लाह पाक इनके दिन ब दिन तरक्की अदा मंजिलें आसानी से तय करते जाए। इंसान का एक सेकंडों में पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है, ये भी थोड़ा सोच लो। बाकी जो है ना, किसी के लिए अच्छा चाहो, आज अच्छे रास्ते पे चलो तो बेहतर है, अगर नहीं चलते तो खुदा का वास्ता के लिए किसी के लिए बुरा मत सोचना। ये बात इन्होंने बड़ी प्यारी की, बहुत ही प्यारी बात की है कि जो किसी के लिए जो ना इसको गिराना चाहता ना खुद गिर जाता है पहले, ये भी थोड़ा सोचना। माशाल्लाह ये यहाँ पे है और बड़ी पाक जगह पे है, और बात भी बड़ी जबरदस्त की है। मैं हरम में घूम रहा हूँ, मैंने हाथों में करोड़ों देखे हैं, करोड़ों रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बड़ा घर है, मेरा बिजनेस है, लेकिन मैं 200-300 हलाल के कमा के मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए हलाल में वही बात की थी कि बरकत बड़ी है, आपको दिल ही सुकून है। जब आपका दिल का सुकून होगा, बरकत होगी, जिंदगी वही है। किसी मतलब उल्टे काम की तरफ या किसी तरफ गलत काम की तरफ जाएंगे, पैसा आ जाएगा लेकिन बंदे की जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। तो लिहाजा सुकून लेने के लिए कोशिश करें हम सब के अच्छे रास्ते, और जो अल्लाह पाक ने हमें रास्ता दिखाया है और जो उनके पैगंबरों ने हमारे तक रास्ते बताए हैं, हमें अल्लाह पाक उस उन रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम लोग अभी यहाँ तक आ चुके हैं और हमें जाना है वहाँ। अब हम आपसे मिलेंगे वहाँ जाने के बाद, चलते हैं। ये देखने में यहाँ से तो लग रहा बहुत पास है, बट जब आप यहाँ आएंगे और जाएंगे तो फिर आपको पता चलता है। इधर का भी आप व्यूज देख सकते हो। ऑलरेडी हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, अब हम निकलते हैं ऊपर, चलते हैं अब सीधा। दोस्तों हम लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वो वहाँ पर क्लोज है, वो रास्ता ही क्लोज है। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक पुलिस वाले भैया ने हम लोगों को वापस नीचे ड्रॉप किया, और यहाँ से हम किसी दूसरी टैक्सी लेकर के, इसका जो रूट है वो दूसरी साइड से है, हम लोग उधर जाएंगे और वहाँ से फिर हम जियारत के लिए ऊपर जाएंगे। दो लाइन अब मैं आपसे सुनना चाहूँगा शकील भाई, इरशाद फरमाएं। हाँ
पंजाबी नात शायद नहीं, पंजाबी के अलावा अगर कोई और सुनाते हैं। बहुत सी नाते थी मुझे इस सफर के हवाले से अगर याद आए। सिर्फ दो लाइन, हाँ दो लाइन सिर्फ, ज्यादा नहीं याद नहीं आ रही है मुझे। पंजाबी अगर आपको याद आ रही तो सुना, पंजाबी सुना, सुना दें, वही मिलेगा हम लोग। ये रास्ता मेरे घर जाने का, देखो सारी बसें टूरिस्ट आई हुई हैं, यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए निगाहें मुंतजर रह जाए और दीदार हो जाए। अब शायर क्या कहता है इसमें, वो इसमें ये बयान करता है कि मैं किसी भी चीज़ पे नज़र डालूं और उस चीज़ को देखते देखते इतना मगन हो जाऊं कि मुझे उसका दीदार हो जाए प्यारे आका का। वो कैसे बोलता है, ख्याल में, मतलब उनके ख्याल में जो भी चीज़ देखूं, तसव्वुर में तेरे हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शै मैं तेरा दीदार हो जाए। वाह क्या बात, न जाने कौन सी शै मैं तेरा दीदार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होता है हमारा सफर गारे हिरा के लिए, जबल नूर। वो सामने आप जो पहाड़ देख रहे हो वो जबल नूर, वही पहाड़ का नाम है, और उस पे जाने के बाद हमें गारे हिरा दिखेगा। ऊपर चढ़ने के बाद थोड़ा सा नीचे फिर वापस उतरना पड़ता है गारे हिरा के लिए। दोस्तों ये दिखने में यहाँ से तो बहुत पास लग रहा था, लेकिन यहाँ पर जाने में जो टोटल हमें टाइम लग गया था वो 90 मिनट्स, यानी डेढ़ घंटे के आसपास हमें लग गया था। वो भी ज़्यादा हम लोगों ने रेस्ट नहीं किया था, हम लोग ज़्यादा रुके नहीं थे, उसके बाद भी हमें इतना टाइम लग गया था। और अगर आप रुक रुक के जाते हो तो ये मान के चलो कि आपको अराउंड 2 आवर्स, 2 घंटे चढ़ने के लिए ऊपर चाहिए चाहिए। और यहाँ पर आप जब भी आओगे तो यहाँ पर ये परिंदे, ये कबूतर आपको हमेशा मिलेंगे, और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो इनके लिए खाना लेकर आते हैं, इनको देने के लिए खाना वो लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से कुछ 20 से 25 मिनट्स और लगेगा, अभी वो टॉप पे जाना है। ऑलमोस्ट हम पिछले 1 आवर, 1 घंटे से ऊपर आ रहे हैं। अभी ऊपर जा करके हमें शुक्राने की नमाज 2 रिकॉर्ड नफिल पढ़नी है। दोस्तों अभी हम टॉप पे आ गए थे, और ये आप जो जगह देख रहे हो ये है आपका गारे हिरा। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के इबादत किया करते थे माशाल्लाह।
हम जाएंगे, नीचे भी हम जाएंगे और जाने के बाद इंशाल्लाह उस जगह तक हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पहुँच जाएं। मेरी यही दुआ है कि दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं वो यहाँ आकर यहाँ आ सकें और इबादत यहाँ पर आके कर सकें। क्या खूब नज़ारा है यहाँ का। दोस्तों अंदर की जगह जो है वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर क्राउड इतना, रास्ता इतना ज़्यादा क्राउड था कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बहुत मुश्किल से हम यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर हम सिर्फ सजदा करके निकल जाएंगे क्योंकि दूसरों को भी यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, बहुत ज़्यादा लोग आए। और दोस्तों यहाँ पर हमारे शकील भाई सलाम पेश करेंगे, लेकिन यहाँ पर हवा जो चल रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ हवा थी तो शायद थोड़ा सा वॉइस क्लियर ना हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आवाज़ जो भी हो वो रिकॉर्ड हो सके। Salamatullah alayka.